गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, मैंने कल आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस को बिलीवर बोर्ड के निर्देशानुसार जो भी बताया गया 16 चैप्टर में डिवाइड किया गया उसका डिटेशन मैंने कल आपको समझा दिया। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें अभी जो चैप्टर नंबर 1 है संयुक्त फलन, जिसमें आप पढ़ चुके हैं संबंध और फलन। 11th क्लास प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने संबंध और फलन को पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड है। परंतु उस चैप्टर को मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, अन्यथा आपको ही थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जोड़ करके इसको हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसे आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले आईटीएफ में बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप जानते हो त्रिको फंक्शन, तो त्रिको फंक्शन क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमें इसके इनवर्स की वैल्यू को पता करना है तो उसके त्रिको फंक्शन पे जाना पड़ेगा। तो त्रिको फंक्शंस क्या होते हैं ये हम प्रीवियस ईयर में सीख के आए, क्लास 11। तो क्लास 11 की अगर बात करें तो जो त्रिको फंक्शंस होते हैं, पहले तो हम बात करेंगे टी रेशियो की। किसकी बात करेंगे? टी रेशियो की। तो टी रेशियो और टी फंक्शन में क्या अंतर होता है? दैट इज डिफाइंड बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो पहले हम क्लियर कर लें, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर पर और प्रतिलोम की बात तो बहुत बाद में आएगी। तो सबसे पहले टी रेशियो, जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। आपने टी रेशियो जो पढ़े थे 10th क्लास के अंदर और 11th के अंदर, उसको हमने 11th क्लास में थोड़ा सा कन्वर्ट किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं पहले आप वो समझो। तो रेशियो और जो फंक्शंस हैं सेम थिंग है, कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है अगर हम एक्स की वैल्यू लें, फंक्शन क्या होता है इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा फंक्शन, बहुत सारे कनेक्टिविटी 10th के अंदर होती है बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फलन सभी बच्चे जानते हैं, मैंने फंक्शन बहुत अच्छी तरह आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया 11th क्लास के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन बना कैसे, तो ये जो फंक्शन बना है उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 45 ले ली, हमने x की वैल्यू 60 ले ली, तो फंक्शन ऑफ x यानी कि 45 से sin 45 और sin 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, और फंक्शन ऑफ x sin 60 की वैल्यू की बात करें तो 60 की वैल्यू हो गई √3/2। दैट क्लियर? तो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं कि x की यानी कि x की वैल्यू अलग अलग लेने पर उसके फंक्शन के मान भी डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होते हैं, तो दैट इज द वेन डायग्राम में देखते हैं। तो हमने जब 45 ली मींस पाई बाई 4 और 60 ली तो पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू क्या आई 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या आई √3/2। तो इट मींस फंक्शन हमारा क्या कहता है, फंक्शन हमारा ये कहता है कि यदि मान लीजिए ये दो वैल्यू, ठीक है ना, और यहां पर एक सिंगल वैल्यू है, तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं क्या कर सकते हैं, इधर अगर सेट ए, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, दिया फंक्शन कैसे, ये मान लीजिए वैल्यू है एक और ये वैल्यू है एक और ये वैल्यू है दो और ये है वन एक, तो क्या हुआ वन भी इसकी इमेज बना रहा है और टू की भी इमेज क्या है एक। तो दैट इज आप क्या कहेंगे कि क्या ये फंक्शन है
क्या ये फंक्शन है? तो सबसे पहले हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं बढ़िया साहब, जिसमें हमने कहा ये वन पॉइंट है और ये दो वैल्यूज हैं। अगर सेट ए का, सेट ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, इसको कह दो वन और टू सपोज, ठीक है ना, ये ए, तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के एक और केवल एक अवयव से ही प्रतिबिंबित होता है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और केवल एक, तो क्या हुआ? तो यहां पे ध्यान से देखें, मैंने आपको उदाहरण दिया था बाप और बेटे का दिया था, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ए जो है वो वन से भी क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और टू से भी कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं होगा, बट ये फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वन जो है वो ए को भी जानता है और टू जो है वो भी, तो मैंने क्या बोला, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का ईच एलिमेंट, है ना, समुच्चय बी के एक और केवल, तो वन अगर ए को जानता है और टू बी ए को जानता है तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप मुझे भी जानते हो, ठीक है, आप और टीचर्स को भी जानते हो, तो दीज आर फंक्शन, बट इट इज नॉट फंक्शन, मतलब ये फलन नहीं होगा और ये फलन होगा, वो शुद्ध भाषा में समझ लें। तो यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि रियल नंबर्स के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी वैल्यू जीरो वन, है ना, माइनस वन माइनस टू ऐसे करके वन टू थ्री, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी वैल्यू, तो इनमें से हो सकता है कि कोई दो वैल्यू एक ही को बिलोंग कर रही है। जैसे एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू का मान कितना होता है वन, और साइन फाइव पाई बाय टू का मान भी कितना होता है वन, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू, तो दी आर इसका वैल्यू हो गई एट, तो यहां पर एक्स वन डज नॉट इक्वल एक्स टू, तो इस बात को भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये कौन कौन सा फंक्शन है, वन वन, कौन कौन सा, वन वन मैपिंग, इसको कहते हैं वन वन मैपिंग। क्यों है वन वन, नहीं है वन, नॉट वन वन, क्यों नहीं है, क्योंकि f of x1 equal to f of x2 equal to 1, but x1 बराबर नहीं है x2 के, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया, many one function, क्योंकि दो वैल्यू पर, दो वैल्यू पर आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए दो वैल्यू पर इसका क्या हुआ, ये एक ही वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन तो है परंतु ये क्या नहीं है, वन वन नहीं है। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन की, तो बेटा यहां पर क्या होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और केवल एक अर्थात अद्वितीय अवयव से ही प्रतिबिंबित होता है, फलन कहलाता है। इसलिए दीज आर, ये जितने भी होते हैं जो रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आर सेम माने जाते हैं। इसलिए 11th क्लास के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो है वो समान माने जाएंगे। तो आज से आप एक चीज तो जान ही लें, जो रेशियो है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दीज आर सेम, ठीक है। तो इसकी बात हमने कर ली है, चर्चा कर ली है, अब हम बात करेंगे कि ये फंक्शंस जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझें, सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी था कि आपके दिमाग में यही खतरनाक बात है कि आप यही सोचते रहते हैं कि रेशियो में और फंक्शंस में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, मैंने 11th में करा दिया था और अब फिर मैंने क्लियर कर दिया, अब मत भूलना, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू लगभग सेम मानी गई है, लगभग नहीं है ही। तो अब हम बात करेंगे इनके, ये तो हो गए फंक्शन फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान से देखना है ना, ये हो जाएगा डोमेन, प्राण, क्या बोलते हैं प्राण, और यहां हम बात करते हैं परिसर रे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर, आर का मतलब जानते हो, माइनस अनंत से अनंत, कौन सा, ओपन इंटरवल, ठीक है।
और कॉसेक्स का भी जो प्रांत डोमेन होता है वो भी आर होता है। दैट क्लियर? यानी कि डोमेन क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यदि 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपका तैयार है तो आपको कतई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो बेटा यहां पर तलोम पढ़ने के साथ साथ पूरा अवकल गणित भी दिक्कत में आ जाएगा। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, समय है, COVID-19 में बैठे हुए हो, घर पे बैठे हो, तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने 1.5 महीने लगभग 45 दिन पढ़ाया क्लास के अंदर, उसको आप घर पे अध्ययन अवश्य करें। तो यहां हम बात करते हैं कि sin x जो है उसका जो डोमेन है वो माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या लिख देते हैं बार बार आर, क्या होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले दिन की क्लास में मैंने आपको उस रूम में पढ़ाया था, बड़े वाले में, ठीक है? तो मैं ध्यान होना हूं, मुझे तो रहता ही है। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये लाइन होती है ना बच्चों, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से लेकर के सारी संख्याएं इसके अंदर, चाहे वो माइनस वन हो, चाहे माइनस टू हो, चाहे वन अपॉन रूट टू हो, चाहे 1.5 हो, चाहे कोई, सारी अपर में और पर में संख्याएं इसमें इंक्लूड होती है। परंतु मैंने लिखा है माइनस अनंत से अनंत, इसका बच्चों अर्थ जानते हो ना, ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। कितने बच्चे जानते हैं, हाथ खड़ा करेंगे? खुला अंतराल क्या होता है, यानी कि जो मैंने बताया था, ये जो अगर खुला अंतराल है तो इनके लास्ट जो पॉइंट होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल यहां से यहां तक आने वाली संख्या ही इस अंतराल में इंक्लूड की जाती है। अब कोई दिक्कत? नो, बहुत बढ़िया। और बच्चों हम बात करेंगे इसके परिसर की, तो इसका जो परिसर होता है वो -1 to 1। कौन सा अंतराल है? क्लोज। कौन सा है? क्लोज, बंद अंतराल। दूसरा नाम बताओगे? संवृत अंतराल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 11th पढ़ा रहे हैं कि 12th है, अब तो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि बेटा हमने कहा था ये सब चीजें काम आने वाली हैं। और सेम इसका भी -1 to 1। और बेटा क्लोज इंटरवल का अर्थ भी बता दें हम आपको एक बार फिर से, बंद अंतराल, है ना? भूलना मत, आज के बाद जो चीजें स्टार्ट हो रही है, मेन चीज होती है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर पीछे की मेमोरी में अगर आपको याद है सब चीजें तो बहुत शानदार गणित चलेगी। तो इसका अंतर समझना, जैसे 1 to 5 लिखा है, इसका मतलब अगर ये क्लोज इंटरवल लग रहा है तो 1 और 5 सारी वैल्यू मैंने लिख दिया x belongs to, इसका मतलब x is greater than and equal 1 और less than and equal 5। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, x is greater than 1 और less than 5, x का मान 1 से बड़ा और 5 से छोटा, और 1 और 5 शामिल नहीं है। लेकिन हमने लिख दिया x का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर, तो 1 शामिल है और 5 भी शामिल है, that is the closed interval और that is the open interval। That is clear? चले आगे बच्चों, बात करते हैं बच्चों tan x, that is sin x upon cos x, sin x upon cos x, where cos x is does not equal 0। अगर हम देखें तो इसका क्या हुआ, cos x यदि 0 के बराबर नहीं है that is defined, और यदि ये 0 के बराबर है तो does not defined। That clear? यानी कि ये परिभाषित केवल तभी हो सकता है जब कोसेक्स 0 ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कोसेक्स किन किन बिंदुओं पर शून्य होता है बच्चों, तो कोसेक्स जिन जिन बिंदुओं पर शून्य होता है उसका हमने आपको व्यापक हल 11th क्लास के अंदर लिखा रखा है। कितने बच्चे बताएंगे? भूल गए हो, ये भी भूल जाओ निश्चित तौर पर, है ना? तो भूलना नहीं है, ये खास बात है। तो 2n plus 1 मैं लिखता चल रहा हूं और आप अपनी कॉपी में जो मैंने पिछली साल लिखा है बच्चों उसको देखते चल रहा है ना, और तुम एहसास जरूर करते रहना। तो n belongs to z, ओके? r minus 2n plus 1 pi by 2 cos x का जो व्यापक हल होता है 0 के लिए 2n plus 1 pi by 2 में रखकर दिखा देता हूं। n का मान मान लीजिए आपने 0 ले लिया, क्या ले लिया? 0। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया,
और cos pi by 2 का मान कितना होता है 0 और sin 0 upon 0 दैट इज अनडिफाइंड नहीं sin 0 मतलब ये ले केवल cos ले तो ये 0 हो गया जब ये 0 हो गया और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित अनंत होता है ओके तो जिन जिन बिंदुओं पर ये cos शून्य होगा वे सभी किसमें से निकाल दिए जाए r में से तो r में से निकाल दिया और इसका जो परिसर होता है वो कैपिटल आर मुझे लेवेंथ का पढ़ना पड़ रहा है दोबारा से क्यों क्योंकि मैंने जो चैप्टर लिया बच्चों वृत्तीय अपरण त्रिकोणमैट्रिक फंक्शंस जुड़ा हुआ है हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक क्लियर नहीं करेंगे और बात करते हैं कॉट की कॉस एक्स बटे साइन ओके और जहां साइन एक्स डज नॉट इक्वल जीरो अब ऐसी वैल्यूज कॉटेक्स में परिभाषित होंगी जहां साइन एक्स जीरो नहीं हो वो क्या होंगी तो साइन का क्या होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई ये आर में से निकाल लो और एन बिलोंग्स टू इसका भी कैपिटल आर दैट क्लियर ये डोमेन और प्रांत डोमेन और रेंज रेंज खेलना सीख गए ना तो आप ये समझ गए ना मैथमेटिक्स आ गए कंफर्म है That is 1 upon cos x. ये reciprocal formula है, याद रखेंगे और फिर से वही बात cos x does not equal 0. Same as और same. नहीं, ये same हो जाएगा और ये same हो जाएगा 1 upon sin x का ये same हो जाएगा ठीक है तो यहां से हम करेंगे तो r minus same as हो जाएगा cos का 2n plus 1 pi by 2 और n belongs to z. ओके और ये हो जाएगा 1 upon sin x और sin x does not equal 0 so we get r minus n pi ठीक है x is equal to लिख दे रहा हूं मैं n pi और n belongs to that clear और इसका जो परिसर होता है वो minus 1 to 1 r minus minus 1 to आप सोच रहे होंगे सर पढ़ा तो ये रहे हैं और लिख ये रहे हैं बेटा जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम इनके ग्राफ कैसे क्लियर करेंगे तो ग्राफ जो होते हैं वो इनके इनवर्स होते हैं प्रतिलोम पढ़ाना है हमें क्या पढ़ाना है इनका प्रतिलोम पढ़ाना और प्रतिलोम पढ़ाने के लिए साइन और साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक के डोमेन और रेंज पता होना आवश्यक है नोट डाउन दिस कोस का सिस्टम नहीं आपके यहां देखो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा साइन का ग्राफ बता रहा हूं ठीक है ना थोड़ा ध्यान देना तो जो साइन का ग्राफ है उसको आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे है ना ये हमारा क्या होता है एक्स डैश ये हमारा क्या होता है एक्स और ये हमारा क्या होता है वाई और ये क्या होता है वाई ओके जैसा कि आप जानते हो दिस पॉइंट इज जीरो और सपोज दैट यहां पे हम मान लेते हैं ये पाई बाई टू है ये पाई है ये थ्री पाई बाई टू है ये टू पाई है ये 5π/2 है एंड सो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ऐसे ही हम इधर चलेंगे तो ये लगभग मैं एक अनुमानित राशि लेके चल रहे हैं माइनस 5π/2 ये आपका पाई ये माइनस के 3π/2 और ये आपका हो गया कितना 2π माइनस के 2π और ये हो गया माइनस के 5 ओके तो जितना आप यहां पर जीरो लिख सकते हैं तो अपना जो साइन एक्स का ग्राफ है और साइन एक्स का अभी अभी मैंने आपको बताया क्या बताया इसका जो डोमेन है क्या लिखा था मैंने बेटा माइनस 1 to 1 और रेंज क्या लिखी थी रेंज तो रेंज माइनस 1 to 1 है तो रेंज क्या होगी भाई दैट इज वैल्यू जब एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू प्राप्त होगी तो 1 लगभग में अपन लोग यहां पे मान लेते हैं ठीक है और -1 यहां इससे ग्राफ थोड़ा क्लियर हो जाएगा
तो सबसे पहले साइन जीरो टेबल याद होनी चाहिए जो जीरो से नब्बे तक की, कम से कम 90 तक, 120 150 नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना याद हो। तो हम बात करेंगे किस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। और आप चाहें तो एक लाइन ऐसे बना सकते हैं जिससे कि आपकी लाइन जो है वो क्लियर कट आ जाए, ठीक है, ऐसे भी खींच सकते हैं आप इधर भी, ठीक है, ये चल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे साइन जीरो, साइन जीरो तो यही रहेगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो पाई पे भी ये कितना हो गया, कोई अंतर नहीं आया, ये माइनस है। तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होगा 1, तो बेटा ऐसे चलेगा। और बीच की वैल्यू भी है, आप ये मत सोचना यहाँ कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया 45, यहाँ कितना हो गया 60, और सभी की वैल्यू पर साइन जो है वो इंक्रीज करता है, क्या करता है, बढ़ता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/√2, साइन पाई बाई टू का 1। तो यहां से ये उठता हुआ ग्राफ किस तरह से आता है, ऐसे 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 आएगा, और ये देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू प्राप्त करेगा 1, तो कर ली, ये करता हुआ आएगा और साइन पाई, साइन पाई क्या बन गया 0, और फिर से 3π/2, साइन 3π/2 का मान कितना होता है -1, कितना होता है -1, और साइन 2π फिर से क्या हो गया 0। तो बेटा इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर से साइन 5π/2, इसका मान कितना होगा 1, तो ये इस तरीके से ये यहां से और ऐसे, ओके। तो हमें ग्राफ जो तैयार करना है वो इस तरीके से है। अब एक अनुमानित तरीका होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खिंच जाएगा और इस तरह से ये आएगा, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया साइन का, ठीक है। तो ये जो साइन का ग्राफ है, अगर हम बात करें इसी में थोड़ी सी बात करूंगा मैं, तो ये जो साइन का ग्राफ है, तो यहां से यहां तक हमने ये देखा कि अगर हम यहां से यहां एक लाइन पट्टी खींच जाए, तो आप देखते जाइए ये क्या करेगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये पॉइंट एक्स वन मान लें, ये पॉइंट एक्स टू मान लें, और यहां से देखो एक्स वन पर इसकी वैल्यू कितनी है 1, और एक्स टू पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 1, और जब ऐसा होगा तो दिस फंक्शन डज नॉट बाइजेक्टिव, अर्थात ये 1-1 नहीं होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो प्रतिलोम फलन की बात कर रहे थे, तो साइन एक्स का ग्राफ जब हमने खींचा तो हमने इसी से डिसीजन लिया कि क्या साइन एक्स बाइजेक्टिव है, क्या cos x बाइजेक्टिव है, क्या tan x बाइजेक्टिव है, मींस एकेक की आच्छादक है या नहीं है। तो बेटा अब हम जो बात कर रहे, मुद्दा यहां से शुरू हुआ, किस चीज का, प्रतिलोम का, किसका शुरू होगा मुद्दा, प्रतिलोम का। तो प्रतिलोम का जो मुद्दा स्टार्ट होने वाला है, तो यहां पर सबसे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को क्या बनाना होगा, बाइजेक्टिव बनाना होगा, ठीक है। यदि कोई फलन, मैं लिख रहा हूं, यदि कोई फलन एकेकी आच्छादक अर्थात बाइजेक्टिव, क्या पढ़ते हैं, बाइजेक्टिव होता है, तभी उसके प्रतिलोम, तभी उसके प्रतिलोम F इनवर्स का अस्तित्व होगा। लो भाई आगे मुद्दे की बात, तो मुद्दा यह है, यदि हमें किसी फंक्शन का प्रतिलोम फाइंड करना है, इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए किसी भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, एकेक की आच्छादक, और जो बाइजेक्टिव है, मींस अंग्रेजी इसकी लिखी हुई है, ये होना चाहिए 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग। यदि वो ऐसा पालन नहीं करता है, 1-1 का मतलब हो गया एकेक की, और ऑन टू का मतलब हो गया आच्छादक, क्या हो गया आच्छादक, यदि वो फंक्शन 1-1 नहीं है, यदि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है,
तो वो हम कह सकते हैं कि उस फलन का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। केवल एक ही कंडीशन है, यदि कोई फलन एक की आच्छादक होता है तभी उसके प्रतिलोम का अस्तित्व ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों मैं जो कहना चाहता हूं, अब बात आती है कि सर एकेकी क्या होता है, आपने पढ़ाया तो ज्यादा थोड़ा भूल गया हूं। कोई बात नहीं बच्चों, हम आपको बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एकेकी, एकेकी डेफिनेशन कहती है एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हम बात करेंगे और इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है सर, यस, क्या कि यदि x1 बराबर नहीं है x2 के तो f of x1 बराबर नहीं है f of x2 के। एक ही बात है लेकिन हम देखेंगे यदि f of x1 बराबर है f of x2 के तो x1 बराबर होना चाहिए x1 बराबर x2 के, तो हम कहेंगे कि ये 1 1 है। कैसा है? 1 1, ठीक है। तो 1 1, अगर ये 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहता हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो मुद्दा चल रहा है प्रतिलोम क्या है, पहले तो मैंने आपको त्रिभुज फंक्शन के बारे में बताया, त्रिभुज फंक्शन के बारे में बताया, अब मैं जो बता रहा हूं वो इनवर्स बताना चाहता हूं लेकिन साइन के ग्राफ से। तो मैंने कहा कि ये f of x1 बराबर हो गया f of x2 के, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि ये किस पे है 1 पे। सपोज दैट ये 1 मान लिया, क्यों मान लिया, अगर x1 is equal to मान के चलो pi by 2 है, क्या है pi by 2 और x2 is equal to 5 pi by 2, तो अगर हम बात करें f of x1 is equal to sin pi by 2 और sin pi by 2 का मान कितना हो गया 1 और f of x2 is equal to sin 5 pi by 2, अगर आपको निकालना नहीं आया तो यहां pi की वैल्यू रख लेना 180 कितना हो गया 90, 95 45 450 और 450 360 प्लस 90 होगा sin 90, sin 90 का मान ये ऐसे तो आया समझ में। तो दैट इज f of x1, इससे क्लियर होता है f of x1 बराबर f of x2 बट x1 बराबर नहीं है x2 के, क्यों, pi by 2 बराबर हो सकता है क्या बेटा, 5 pi by 2 बोलो। तो क्या हुआ, x1 f of x1 बराबर है f of x2 के then value 1 but x1 बराबर नहीं है x2 के, तब हम क्या लिखेंगे कि ये 1 1 नहीं है, अर्थात एकेकी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन फलन जो है y बराबर साइन x डज नॉट बाई वेक्टर, कैसा नहीं है बाई वेक्टर, यानी कि एकेकी आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स साइन इनवर्स x ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इससे तो ये निष्कर्ष निकल गया, अगर हम यही ग्राफ कॉस के लिए बच्चों बनाते हैं, किसके लिए, कॉस के लिए, तो बेटा यही बात कॉस के लिए आएगी सेम टू सेम, टेन के लिए बना दें, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव एंड गिविंग डोमेन, अर्थात दिए गए प्रांत में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन कैसे नहीं होते हैं, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, एकेकी आच्छादक नहीं होते हैं, इसलिए उनका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्दा इज डेड, तो मुद्दा ही डेड हो गया, क्या हुआ मुद्दा इज डेड, पढ़ क्या रहे फिर, चैप्टर का नाम क्या है प्रतिलोम, क्या पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे हो गए, इनवर्स ही ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो मुद्दा इज डेड। बट आप इससे घबराए नहीं, यहां पर अब हमारा शुरू होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, हमें क्या करना होता है, इनके प्रांत को आज जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझे, जो मैंने बता दिया है साइन एक्स का ग्राफ कॉस एक्स का इस तरीके से देखते हैं, तो यहां से हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, क्योंकि मैं इनके प्रांतों को सीमित कर दूंगा,
यानी कि प्रतिबंधित कर दूंगा, रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, अर्थात उसके पूरे प्रांत को ना लेकर के एक छोटे से प्रांत में, मतलब उसका एक स्पेल ले लूंगा, उस स्पेल के अंदर हम क्या करेंगे, उसको हम बनवन एंड ऑन टू एके की ओर आच्छादक बनाते हैं और सभी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ऐसा ही करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वो फलन बनवन एंड ऑन टू हो जाता है, अर्थात एके की ओर आच्छादक बन जाता है। बनने के बाद बच्चों यही जो फंक्शंस हैं वो कैसे हो जाएंगे, की आच्छादक हो जाएंगे और इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों का उनके जो सीमित अंतराल में मैंने सिद्ध किया है वो सभी उनके इनवर्स यानी कि ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज हम आपको इतना और बता दे रहे हैं कि जो हमारे इनवर्स फंक्शन होते हैं वो भी छह ही होते हैं, अर्थात साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, sec inverse x and cosec inverse x। अब हम आपको इसके आगे जो बताएंगे उसको आपको ध्यान से समझना होगा कि वाकई में हमने जो इनवर्स फंक्शन की बात की है, बेसिक फंडामेंटल तो मैंने पूरा प्रयास किया है बताने का कि हम किस तरीके से करेंगे। तो आज आपके लिए इतना ही बहुत है, आज आप पहले इतना पढ़ें, कल मैं आपको इनवर्स फंक्शन की पूरी कहानी और सिरे से चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चे ध्यान से एक बात और सुने, घर पे बैठ करके इसका जो प्रीवियस चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन, इसका विशेष रूप से अध्ययन करें, इसके सूत्रों का, संबंध फलन वाले चैप्टर का, क्योंकि ये कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।